नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र प्रभा समाचार प्रीतिश शुक्ला के साथ। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की ग्राउंड जीरो से ये खास रिपोर्ट। संपूर्ण समाधान दिवस में कमिश्नर की एंट्री, लापरवाही पर हुई कार्रवाई। प्रदेश में योगी सरकार ने लोगों की शिकायतों को त्वरित निस्तारण के आदेश दिए हैं। इसी क्रम में जालौन में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचे झांसी मंडल के कमिश्नर ने शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया। कमिश्नर के सख्त तेवरों के चलते निचले क्रम के अधिकारी भी हरकत में आ गए और ऑन द स्पॉट कार्रवाई होने लगी। शिकायतकर्ताओं के कई महीने से लंबित कार्य एक फोन पर हो गए। बता दें कि मंगलवार को जालौन के माधवगढ़ तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें अधिकारियों ने लोगों की शिकायतों को दर्ज किया लेकिन उनका निस्तारण नहीं कराया। वहीं समाधान दिवस पर पहुंचे झांसी मंडल के मंडलायुक्त सुभाष चंद्र शर्मा ने सबसे पहले उपस्थित रजिस्टर देखा, जिसमें रजिस्टर में दर्ज खुदे पुत्र बालादीन निवासी कुरौती के अतिक्रमण की शिकायत पर मंडलायुक्त ने एक फोन कर हटाने के आदेश दिए। वहीं कमलेशी देवी गोपालपुरा का एक महीने से लंबित मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने का आदेश बीडीओ को दिया। सोहनलाल निवासी हैदलपुरा के बिजली की शिकायत मामले पर भी एसडीओ को तत्काल निस्तारित करने का फरमान सुना दिया। वहीं कमिश्नर ने तहसील परिसर में विभागों का भी निरीक्षण किया, जिस पर कुछ खामियां भी पाई गई। उन्होंने तहसीलदार को चेतावनी देते हुए अनुपस्थित अधिकारियों के वेतन काटने का निर्देश भी दिया। जिला स्तर की हो चाहे दूसरे प्रदेश से बनी हो, जांच पड़ताल तो सभी की करनी पड़ती है। सबसे वैसे डिले नहीं होना चाहिए। आपको केस मुझे स्पेसिफिक बता देना, जनरल है तो मैं डीएम को बता दूंगा। तो जनरली ऐसी शिकायत आई थी तो उसको एक्सपीडाइट करा लेंगे। ये लेखपाल के द्वारा जो मुकदमा है उसको तो करेंगे। जिनके पास में पैसा था, संपत्ति खरीदने के काबिल लोग है, ये कमजोर गरीब लोग नहीं है। वो लोगों जिन्होंने टैक्स की चोरी करने की कोशिश की, वो लोग हैं, बड़े लोग हैं। दो तीन दिन के अंदर इनके इनके घर पे छापा पड़ना चाहिए। सब पुराने हैं, ये फरवरी का है, पिछले साल फरवरी का है। एक साल पूरा हो गया, अब एक महीना नहीं है, एक साल हो गया। पकड़ के बंद करो, नहीं देते तो ये लड़का कहाँ से गया? बताया नहीं आपने? 2006 की आरसी है, 62,000 रुपए की, ये क्यों नहीं वसूली हुई? ये तारीख पढ़ के बताओ मुझे क्या है, 9/2/16 है कि 9/2 क्या है? ये भी लिख रहे हो 19 है 19। जालौन पुराई जनपद की माधोगढ़ तहसील का तहसील दिवस का निरीक्षण किया गया था और उसके साथ ही मैंने तहसील कार्यालय और उसके परिसर का निरीक्षण किया है। तहसील दिवस अपने हिसाब से यहाँ चलता हुआ मिला मुझे, लेकिन कुछ शिकायतों का निस्तारण जो पहले से आई हुई थी उनमें गुणवत्ता की कमी नज़र आई। मैंने कई लोगों से, शिकायतकर्ताओं से उनके मोबाइल नंबर पर अपने मोबाइल से डायल करके बात भी की है, दो लोगों से बातें की, लेकिन उनकी समस्या का सही तरीके से समाधान नहीं हुआ है। विद्युत विभाग की एक शिकायत है जो इलेक्ट्रिक सेफ्टी से संबंधित थी, उसके लिए पत्र भेजा गया है, लेकिन ये सब अनुश्रवण करने की चीज़ होती है। उनका समय से निस्तारण बेहद ज़रूरी है। ज़्यादातर खेती किसानी की ही समस्याएँ यहाँ ज़्यादा आई हुई हैं। तहसील परिसर, जैसा आप जानते हैं कि ये नई तहसील बनी है, बिल्डिंग जिस तरह से बनाई है वो उसमें कई अधूरापन है। कई क्वालिटी की भी शिकायतें मुझे मिली हैं, मैं इसको नोट करके लेके जा रहा हूँ। अकॉर्डिंगली हम लोग इसमें जो भी कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई करेंगे। बहुत दूर दराज की तहसील है, जिला मुख्यालय यहाँ से बहुत दूर है। झांसी जनपद मंडल मुख्यालय तो और भी बहुत दूरी पर है, इसलिए इस तहसील को सही तरीके से चलाना बेहद ज़रूरी है। इस रिमोट एरिया में तहसील ही जिले का काम करेगी।
इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि जितना अच्छा हो सकता उतना अच्छा इंतजाम यहाँ चलाया जाए। सर कुछ अधिकारी अनुपस्थित रहे उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाए? कुछ अधिकारी अनुपस्थित रहे हैं सर उन पर क्या कार्रवाई की जाए? हाँ उनकी तनख्वाह रोकने का कार्रवाई होनी है, उनका स्पष्टीकरण भी मांगा जाएगा। 3-4 ऐसे अधिकारी रहे जो आज अनुपस्थित मिले हैं। ठीक है, लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाएं और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए स्वतंत्र प्रभार समाचार को सब्सक्राइब करें।